आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, मुद्रा को ही है, मुद्रा को ही है। मुद्रा पे अंडरलाइन मारो, मुद्रा पे अंडरलाइन लगा दो। क्वेश्चन अगला, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की, मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है, जीवन शक्ति है, जीवन शक्ति पे अंडरलाइन लगाओ। क्वेश्चन अगला लिखो, मुद्रा के विकास का इतिहास, मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का, मानव सभ्यता के विकास का इतिहास है, इतिहास है। इतिहास पे अंडरलाइन मारो। प्रश्न अगला, एक वस्तु के बदले में, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को, दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, वस्तु विनिमय पर अंडरलाइन मार दो। प्रश्न अगला लिखो, मुद्रा का आविष्कार, मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी, मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, उपलब्धि है, मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि पे अंडरलाइन लगाओ, उपलब्धि पे अंडरलाइन लगाइए। प्रश्न अगला लिखिए, मुद्रा विनिमय का, मुद्रा विनिमय का माध्यम है, माध्यम पे अंडरलाइन लगाइए। प्रश्न अगला, प्लास्टिक मुद्रा के चलते, प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य सरल हो गया, विनिमय का कार्य सरल हो गया, विनिमय का कार्य सरल हो गया। विनिमय पे अंडरलाइन बनाओ, चाहे सरल पर अंडरलाइन लगाओ, सरल पे लगाओ। प्रश्न अगला, मुद्रा एक अच्छा, मुद्रा एक अच्छा सेवक है, सेवक है, सेवक पे अंडरलाइन मारो।
क्वेश्चन अगला, आय तथा उपभोग का अंतर, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, बचत कहलाता है। बचत पे अंडरलाइन लगाओ। क्वेश्चन अगला, साख का मुख्य आधार, साख का मुख्य आधार विश्वास है। विश्वास पे अंडरलाइन लगाओ। प्रश्न अगला, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? उत्तर लिखिए, वैसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, जैसे चावल से सब्जी खरीदना, कौमा देके गेहूं से कपड़ा खरीदना। कहने का मतलब है कि एक सामान लो तो दूसरा सामान दो, पैसा मत दो, तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। प्रश्न अगला किया, मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली क्या है? तो उत्तर लिखिए, वैसी प्रणाली जिसमें किसी वस्तु के क्रय विक्रय के लिए क्रय विक्रय के लिए मुद्रा का प्रयोग किया जाता है मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। यानी कुल मिला जुला के कहने का मतलब है कि आप अगर पैसा से कोई वस्तु खरीदते हैं तो इस प्रणाली को मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है। प्रश्न अगला, मुद्रा की परिभाषा दीजिए। मुद्रा की परिभाषा दीजिए। उत्तर लिखिए, मुद्रा धातु अथवा कागज की बनी, मुद्रा धातु अथवा कागज की बनी
वस्तु है। वस्तु है जो किसी भी सेवाओं के लिए, जो किसी भी सेवाओं के लिए आदान प्रदान में, आदान प्रदान में काम आती है, काम आती है। काम आती है। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार, कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार अनुसार जैसे प्रोफेसर हार्टले बीटस के अनुसार, जैसे प्रोफेसर हार्टले, जैसे प्रोफेसर हार्टले वीटस के अनुसार, मुद्रा वही है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, जो मुद्रा का कार्य करती है, जो मुद्रा का कार्य करती है। पैराग्राफ छोड़ के उसी में लिखिएगा। कुलबर्न के अनुसार, कुलबर्न, कुलबर्न के अनुसार, कुलबर्न के अनुसार मुद्रा वह है, मुद्रा वह है जो मूल्य मापक, जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है, और भुगतान का साधन है, और भुगतान का साधन है। कहने का मतलब है, जब मुद्रा आप लोग देखते हैं, रुपया पैसा धातु का सिक्का बना होता है, कागज के नोट बनी होती है, तो वही है कि मुद्रा वह वस्तु है जो धातु या कागज के बनी होती है, आदान प्रदान का काम करती है। आदान प्रदान माने आप कोई भी सेवा लेने जाते हैं, सेवा के जैसे गाड़ी घोड़ा हाथी ऊंट बकरा बकरी भेड़ गधा कुछ भी खरीदने जाते हैं, चावल गेहूं हेन तेन बाजार में जाके खरीदते हैं, साग सब्जी खरीदते हैं, इन सब में कौन आदान प्रदान करती है? मुद्रण करती है। तो कुछ ऐसे प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के हुए, पटक देंगे मर जाएगी। कुछ ऐसे प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के हुए, अर्थशास्त्री जिसे हम कहते हैं, वे अर्थशास्त्री में प्रोफेसर हार्टलेस बीटस कहते हैं कि मुद्रा तो वही है जो मुद्रा का काम करती है। उन्होंने परिभाषा दिया कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करती है। तब मुद्रा कौन है भाई? तब मुद्रा रुपये पैसे को मुद्रा कहता है। लेकिन कुलबर्न के अनुसार, कुलबर्न ने परिभाषा दिया कि नहीं, मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है, अर्थात किसी चीज का मूल्य मापती है, जो इतना ही रुपये का वो है और उसका उस साधन। प्रश्न अगला लिखो, एटीएम क्या है? अगला प्रश्न लिखो, एटीएम, बड़की ए बड़की टी बड़की एम, एटीएम क्या है? उत्तर लिखिए, एटीएम मुद्रा का ही एक रूप है। एटीएम मुद्रा का ही एक रूप है जिसका फुल फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म है,
ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का स्पेलिंग होता है ए यू टी ओ एम टी आई सी, एम ए टी आई सी। इसके बाद टेलर, टेलर का स्पेलिंग लिखो टी ई डबल एल ई आर। इसके बाद मशीन का स्पेलिंग लिखो एम ए सी एच, एम ए सी एच आई एन ई, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जिसका हिंदी अर्थ है उसी में लिखो, उसी में लिखिए जिसका हिंदी अर्थ है, जिसका हिंदी अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। इसका एक गुप्त पिन नंबर होता है, इसका एक गुप्त पिन नंबर होता है। जिसकी सहायता से एटीएच कार्ड को, जिसकी सहायता से एटीएच कार्ड को एटीएच कार्ड को मशीन में डालने से, मशीन में डालने से रुपया निकाला जा सकता है, रुपया निकाला जा सकता है। एटीएम कार्ड देखा है ना, एटीएम कार्ड, उसको शॉर्ट में कहते हैं एटीएम। पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। मशीन में उसी कार्ड को पिन लोड करके कितना पैसा है डाल के एटीएम कार्ड कैसे डालेगा, तो उधर से क्या देगा, पैसा देता है।